हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। आज हमारे पास में लेक्चर नंबर 2 रहेगा, क्लास 11th केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। ठीक है, कल हमने आप लोगों को बताया था वैद्युत संयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध क्या होता है उस पर हमने एग्जाम्पल भी कराए थे। आज हमारे पास में उसी से रिलेटेड होगा वैद्युत संयोजकता। उसी से रिलेटेड क्या होगा? वैद्युत संयोजकता। हमारे पास में वैद्युत संयोजकता जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजकता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। वैद्युत संयोजकता जो हमारे पास में होती है वो, देखो, एक वैद्युत संयोजी बंध जो होता है उसमें हमारे पास वैद्युत संयोजकता होती है। एक सहसंयोजी बंध होता है हमारे पास में, उसमें तुम्हारे पास में कोवैलेंसी होती है, सहसंयोजकता जिसे बोलते हैं। तो ये एक एक करके आती रहेंगी और हम तुमको समझाते रहेंगे। देखो, वैद्युत संयोजकता क्या होती है। वैद्युत संयोजकता का मतलब होता है अष्टक को पूरा करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ता है, जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजकता। अच्छा, फॉर दैट एग्जाम्पल, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हम त्याग करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन हम तुमको दे देंगे, जितने इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोष से हम त्याग करेंगे, वही उसकी क्या कहलाएगी? वैद्युत संयोजकता। जैसे फॉर दैट एग्जाम्पल तुम्हारे पास में दिया है NaCl। Na तुम्हारे पास में 11 नंबर पे होता है, 2, 8, 1 होता है। Cl 17 नंबर पे होता है, Cl 2, 8, 7 तुम्हारे पास। इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने? 1। ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग कर देगा। ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग कर देगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ग्रहण तुम्हारे पास में करेगा। तो मतलब अगर तुम्हारे पास 1, 2, 3 बाह्यतम कोष में है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? त्याग करेगा। अगर 4 तुम्हारे पास में है तो त्याग भी करेगा और ग्रहण भी करेगा। अगर तुम्हारे पास 5, 6, 7 है तो ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अगर 8 हैं तो ये तुम्हारे पास में ना ग्रहण करेगा ना त्याग करेगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। तो बात आई कुछ समझ में? ऑलरेडी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है इसका, इसीलिए ना ये एको इलेक्ट्रॉन लेगा ना एको इलेक्ट्रॉन देगा तुम्हारे पास में। अष्टक रूल मतलब अष्टक तुम्हारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में होने चाहिए। बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ता है उसे वैद्युत संयोजकता कहते हैं हमारे पास में। तो इसमें हमने जैसे NaCl लिया था, Na 11, इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना? 1। क्लोरीन 17, इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 7। ये इलेक्ट्रॉन 1 त्याग करेगा, ये इलेक्ट्रॉन 1 ग्रहण करेगा। तो हमारे पास अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी निकालें, सोडियम की वैद्युत संयोजकता, वैद्युत संयोजकता कितनी आएगी? 1। अगर हम क्लोरीन की वैद्युत संयोजकता निकालें तो कितनी आएगी? 1 आएगी तुम्हारे पास में। तो बात आई कुछ समझ में? वैद्युत संयोजकता क्या होती है। वैद्युत संयोजकता का मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ता है वैद्युत संयोजकता तुम्हारे पास में। एक इलेक्ट्रॉन जितने बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमने त्याग कर दिया जिसने ग्रहण किया। जितने इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा, जो त्याग करेगा, उसकी उतनी वो वैद्युत संयोजकता कहलाएगी।
बात आई कुछ समझ में? जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो इधर देखो फिर अगला तुम्हारे पास है। अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग तुम्हारे पास में कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं सह संयोजी बंध। कोवैलेंट बॉन्ड, सह संयोजी बंध बोलते हैं जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा सह का मतलब साझेदारी, सह का मतलब साझेदारी। जो साझेदारी से बने मतलब एक ये दोनों को आपस में मिला दो एक बन गया, वही साझेदारी से जो बनता है उसे, मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। मतलब जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हारे पास में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग डबल बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तुम्हारे पास में। जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी उतने तुम्हारे पास में बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा नहीं होता, इतना याद रखना तुम्हारे पास में। तो इसकी डिफिनेशन तुम्हारे पास में क्या होगी, जल्दी से डिफिनेशन लिख लीजिए। परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं, जो बंध बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, जो परमाणु होते हैं उनके मध्य बीच में हम और बोर्ड, हमारे और बोर्ड के बीच में जो दोस्ती का नाता है, जो फ्रेंडशिप का नाता है, जो रिश्तेदारी का नाता है, वही सहसंयोजी बंध कहलाएगा। अब ये चाहे हम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें तो डबल बॉन्ड बनेगा, अगर तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा हमारे पास में। तो फॉर दैट एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए, सिंपल याद रखो, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, सहसंयोजी बंध कहेंगे। फॉर दैट एग्जाम्पल जैसे CH4 तुम्हारे पास में एक कार्बन हो गया, कार्बन की वैलेंसी कितनी, चार, एक दो तीन चार, कार्बन के बाह्यतम कोश में चार इलेक्ट्रॉन, कार्बन कितने नंबर पर, छः नंबर पे, 2.4 तुम्हारे पास, इसके बाह्यतम कोश में चार, तो एक दो तीन चार। हाइड्रोजन एक नंबर के, एक नंबर पे, बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है कितने, चार, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ये, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ये, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ये, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ये। अब इस कार्बन को ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी क्या है, चार इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कोश जब कंप्लीट होगा, जब इसको क्या चाहिए, चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जिसको जितने इसने इलेक्ट्रॉन दिए उतने तो लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से और इस हाइड्रोजन से ले लेगा। देखो एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, शेयरिंग हुई, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, एच एच सिंगल बॉन्ड, एच सिंगल बॉन्ड, एच सिंगल बॉन्ड। जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। बात आई समझ में, क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बात कुछ पल्ले पड़ रही समझ में आ रहा है,
परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी जो बंध बनते उसे ही कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध तुम्हारे पास में। दूसरा एग्जांपल, ये पहला था, दूसरा एग्जांपल C2H6, ये बना के सब लोग दिखाएंगे। कार्बन कितने हैं, दो कार्बन, दो तुम्हारे पास। हाइड्रोजन 6, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, छः हाइड्रोजन। कार्बन कितने, चार, इस कार्बन के पास चार, हाइड्रोजन के पास बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दो, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 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 एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इस कार्बन को कितने चाहिए, एक दो तीन चार हैं, चार चाहिए, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, चार मिल गए। इस कार्बन को कितने चाहिए, चार, क्योंकि एक दो तीन चार ऑक्टेन रूल कंप्लीट करने के लिए चार हैं, तो हमको चार और चाहिए। हमने तीन दिए थे, तीन ले लिए, एक इस कार्बन से ले लिया, चारों कंप्लीट। अब इसका संरचना कैसे बनाएंगे, दो कार्बन, दो कार्बन के बीच शेयरिंग हुई, ये सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखो बन गया स्ट्रक्चर, ये तुम्हारे पास में बन गया, और यही जो बॉन्ड बनेगा इसे हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड तुम्हारे पास में। बात आई समझ में, क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अब इसके आते हैं टाइप तुम्हारे पास में, टाइप जो होंगे वो हम टाइप बताएंगे, और वो टाइप आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपको आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय जीआईटेक क्लासेस, कर विजय जीआईटेक क्लासेस।